सो so, स्टूडेंट्स अब एक बहुत मज़ेदार किस्म का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने लगाऊँ और आ, ये एग्जिस्ट करता ये कंपनीज में एग्जिस्ट करता पाकिस्तान कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा यू अब आप डिस्कशन करने लगाऊँ ये बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता एग्ज़ाम्पल जब भी आप किसी कंपनी में जाएं और यानी फॉर एग्जांपल आप डेवलपमेंट यानी एक फ्लोर है इस पर डेवलपर्स बैठे हुए हैं वो काम कर रहे हैं अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये जज करना है अगर ये आप यूनीट टू फाइंड आउट कि ये ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका कैसा है क्या ये किसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं क्या कोई काम करने का एक पर्टिकुलर वे है या एंड सो ऑन? उसको जज करने के एक बहुत लिटमेस टेस्ट होता है और ये किसी बुक में लिखा नहीं हुआ वे दिस इज नॉट रिटन एनी वेयर बट लोग फॉलो इसी करते हैं उसका इंडिकेटर ये होता है कि अगर फ्लोर पे और ये मैं आपको बड़ी अब अनयूजल बात करने लगा हूं फ्लोर पे अगर हर बंदा या हर डेवलपर बहुत बिजी है यानी फॉर एग्जांपल आप किसी डेवलपर के पास गए हैं आपने डेवलपर से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो तो वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूं आप दूसरे डिवेल्पर के पास जाएँ आप दूसरे से पूछें कि तुम क्या कर रहे हो तो क्या मेरे पास टाइम नहीं है बताने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं लेकिन मैं कुछ कर रहा हूं ये लाजमी है मैं कुछ कर रहा हूं मैं फारग नहीं बैठा हुआ मैं कुछ कर रहा हूं अब ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी टीम बिजी है सारे लोग काम कर रहे हैं इसका मतलब मेहनती यू नो डेवेलपर्स हैं मेहनती ऑर्गेनाइजेशन है हार्ड वर्कर्स हैं लेकिन एक्चुअली रियलिटी इसके रिवर्स होती है इसमें ख़तरनाक बात यह नहीं है कि Uh, क्या हो रहा है जो स्ट्रेस वाली बात है यानी खतरे का सिग्नल है वो ये है कि हर बंदा बिजी है लेकिन ये नहीं पता वो क्या कर रहे हैं और ये आपको सुनने में बड़ा और लग रहा होगा यानी बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूं लेकिन ये बिल्कुल रियलिटी की बातें हैं ये अमूमन उस वक्त होता है जब आपके पास कोई स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट ना हो यानी कोई स्ट्रक्चर्ड आपके पास uh, फ्रेमवर्क ना हो या कोई स्ट्रक्चर्ड तरीका ना हो काम करने का इसको अमूमन एक टर्मिनोलॉजी और हम लोग यूज करते हैं मैनेजमेंट बाय क्राइसिस यानी जब कोई मसला आएगा फिर हम देखेंगे उसको सॉल्व कैसे करना है यानी हम उसको पहले से नहीं सोचेंगे वी विल नॉट प्रीएम यानी हम उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे यानी कि ये मसला फॉर एग्जाम्पल मुझे दो दिन बाद आ रहा है तो मैं उसको प्लान आउट नहीं कर रहा मैं वेट कर रहा हूं कि दो दिन बाद जब वो मसला आ जाएगा तो हम मसला सॉर्ट आउट कर लेंगे और इस चीज का डायरेक्ट लिंकेज है हमारे कल्चर से यानी जो पाकिस्तान का कल्चर है यानी हम लोग वी डोंट प्लान हम कहते हैं मसला आएगा सॉल्व कर लेंगे पहले प्लान आउट नहीं करना ऑब्वियसली जो लोग काम कर रहे हैं कंपनीज में वो इसी कल्चर से आए हैं इसी माइंडसेट से आए हैं और ये टिपिकली उस तो होता है जब आपकी मैनेजमेंट लेयर या तो बहुत वीक हो या हो ही ना तो जो कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो के जरा प्लान तरीके से चलती हैं, उनके अंदर एक चीज अगर आपने अगर आपने ये फाइंड आउट करना है कि इनकंसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो लोग बिजी हैं, फिर आप किसको बोलेंगे कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें एक इंडिकेटर होता है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर साठ डेवलपर्स हैं या सौ लोग काम कर रहा तो अगर आप एक सेंट्रल डॉक्यूमेंट से ये फाइंड आउट कर सकें कि अली ने पिछले हफ्ते में ये चार टास्क किए कोई और बंदा है आसिम उसने पिछले एक हफ्ते में ये पांच टास्क किए अगर ये आप ट्रैक कर सकें या फाइंड कर सकें जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस uh, रिपोर्टिंग तो ये पहला इंडिकेटर होता है कि टीम में या कंपनी में कुछ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है स्टार्टअप कंपनीज क्योंकि जाहिर सी बात है जब स्टार्टअप बिजनेस ग्रो करता है तो उस वक्त फोकस बिजनेस इंक्रीज करने की तरफ होता है विच इज जो कि बिल्कुल लॉजिकली सही बात है मैं अगेन वो बात कर रहा हूं कि बिजनेस अब ग्रो कर रहा है तो एक तरफ तो बिजनेस ग्रो कर रहा है दूसरी तरफ आपको जो आपकी कंपनी है उसके अंदर मैनेजमेंट भी लेके आनी है वरना एक तो बिजनेस ग्रो कर जाएगा लेकिन ग्रोथ को सस्टेन लोगों ने करना होता है और लोगों से मुराद ये नहीं है कि मैं ज्यादा लोग जमा कर लूं लोगों से मुराद है सिस्टम्स लोगों से मुराद है प्रोसेस लाइट वेट प्रो, यानी हल्के प्रोसेस ही हो हल्कों से मुराद है कि बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की बात नहीं मैं कर रहा लेकिन कोई काम करने का एक तरीका होना चाहिए जो कि देख सके हम कहीं यानी इसको हम लोग बोलते हैं विजिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी कि अगर एक बंदे ने पिछले हफ्ते में छह टास्क किए हैं वो किसी के दिल में तो नहीं है ना वो लिखे होने चाहिए कहीं ताकि आप ये पूछ सकें डेवेलपर से कि ये छह टास्क हैं हो गए हैं नहीं हो गए ये एक अगला स्टेप है तो इनकन्सिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप जो समझें ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं कि एक जगह टास्क हों कौन से टास्क किए थे ये लोगों के दिलों में होते हैं लिखे नहीं होते कहीं ये पहला इंडिकेटर है और जो कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका सबसे पहला इंडिकेटर है कि यू आर एबल टू ट्रैक दैट सेंट्रल स्टेटस जहाँ से आपको ये पता लग जाए कि कंपनी में कितने लोग क्या काम कर रहे हैं स्टार्टअप में ये चीज़ फाइंड आउट करना या इस चीज की रियलाइजेशन करना जब वो ग्रोथ पे जाता है बहुत कम होता है अगेन आई कम बैक टू माई प्रीवियस पॉइंट क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि हम लोग प्लान नहीं करते जब मसला सर पे आ जाता है तब हम सोचते हैं कि अब क्या करें तो बिल्कुल वैसे ही हमारा स्टार्टअप कल्चर काम करता है कि जैसे ही ये पता लगता है कि अब तो ये कंपनी अनमैनेजेबल uh, हो रही है तो उसको कुछ ख्याल आता है कि चलो अब हम हम प्रोजेक्ट मैनेजर्स या प्रोजेक्ट uh, जो मैनेजमेंट लेयर है वो हायर कर लेते हैं ये मैं स्पेशली uh, पाकिस्तान में टेक uh, स्टार्टअप्स की बात करूँ जो कि अब मेचोरिटी की तरफ जा रहे हैं उनमें एग्जैक्टली exactly ये मसला एज वी स्पीक टूडे एग्जिस्ट करता है